That's an RC, right? Yes, RC 390. आप चारों तरफ स्नो ही स्नो है। ये देखिए व्यू यहाँ का। ब्लैक आइस ही आगे, ब्लैक आइस। ओ, डर भी लग रहा है और एडवेंचर भी करना है, ये दोनों एक साथ है। फटाफट निकलो, सब बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पानी है ना, ये सारा ना बर्फ बन जाएगा। लगी तो नहीं, लगी नहीं ना, ठीक है बस ये मेरे हाथ से वाइजर टूट गया। लगी क्या मनी? नहीं ना, चल 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 उठा उठा। हां जी हां जी, आप वहां से ले लो, मैं ये वो करके ले लेता हूं। हां जी, एक दो तीन तीन बताओ भाई, फिर स्लिप हो रही है। हाँ एक्चुअली मेरा ना गोप्रो ऑफ था वो टाइम पे, इंस्टा लगा हुआ था 360। क्या हुआ ना, जब मैं गिरा गिरते हुए गाड़ी, पता नहीं अचानक से सीधे सीधे आ रहा हूँ नॉर्मल फर्स्ट गियर पे, अचानक से नीचे को हो गई और मेरे हाथ गए ऐसे और राइट हैंड सीधा वाइजर पे, और वाइजर उसकी वजह से टूट गया, नहीं तो वाइजर नहीं टूटता था। उसकी वजह से पूरी शक्ल ही ख़राब हो गई यार बाइक की मेरी। बाकी सब ऑल सेट है, कुछ नहीं हुआ, क्रैश गार्ड ने बचा लिया, सैडल बैग ने बचा लिया, ऑल सेट, सब ठीक है, सिर्फ वाइजर टूटा और कुछ नहीं हुआ है। ऑल सेट है जी, ऑल सेट, फुल पावर। हाँ जी, तो चलिए जी करते हैं राइड स्टार्ट, ऑल सेट है। ये थोड़ा सा अंदर आया लगता है मुझे, ऑल सेट। ये लीवर गार्ड था अंदर, थोड़ा बाहर कर दिया, बस अभी बहुत खुला खुला लग रहा है, ऐसा लग रहा है नेकेड बाइक चला रहा हूँ। हाँ ठीक है, वाइजर हो गया गायब, वाइजर मेरा जो गायब हुआ है दीपक भाई ने रख लिया है। हाँ आराम से चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे ये बिना वाइजर के, पर व्यू अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऑनलाइन मंगा लेंगे यहाँ पॉसिबल होगा तो। चलते हैं जी, एवरीथिंग इज गुड, सब ठीक है भाई। थोड़ा सा मतलब हाथ पे गिरा था मैं, हाथ ऐसा गया ना उस वजह से ये वाइजर टूटा, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ बाकी बाइक को। जो क्रैश गार्ड्स लगाए हैं ना, काफ़ी काफ़ी सपोर्ट है यार। एंड उसके बाद जो अपने सैडल बैग्स लगे हैं पीछे, वो भी काफ़ी बढ़िया है। अभी यहीं से जाना होगा, ये पूरा स्नो ही स्नो है भाई यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, आराम से जा रहा हूँ, गाड़ी अपने आप ही भाग रही है इधर उधर। गाड़ी उठा लो, तो फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं तनवर्ग, जहाँ पे हम रुके थे इंस्टा 360, मैंने मेरी बाइक को माउंट किया था यहाँ पर, सो पहुंच गए नीचे भाई, आराम से लेते हैं। सो स्नो वाला जो है भाई हो गया पूरा खत्म, अब पूरी स्नो है साइड में, नीचे थोड़ी बहुत मिलेगी जहाँ हम गेट था, जहाँ पे हमको पहले, जहाँ से हमको एंट्री मिली ऊपर आने के लिए, अगर वो नहीं छोड़ते तो आज हम यहाँ नहीं जा पाते, यहाँ नहीं जाते तो ये वाइजर नहीं टूटता। बट ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो फिर चिल है भाई, सब ठीक है और सब साथ में है तो एक सपोर्ट भी है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सो देखते हैं, कहीं रुकते हैं अभी। सो यहाँ पे दो रूम्स ले लिए भाई हम लोग, जब तक वहाँ खा रहे थे तो प्रतीक भाई और अपने पाजी
ये देखिए प्रतीक भाई आ गए। ओ भाई मुझे ना ये ड्यूक जैसा फील दे रहा है। ओ भाई यहाँ पे भी घूम रहा है देखो। हाँ जी हाँ जी, आराम से पैर रखते रखते, कोई टेंशन नहीं ना। ओके जी आराम से जा रहा हूँ। यहाँ बर्फ थोड़ी सख्त है, अच्छा है थोड़ा, वैसे पत्थर भी है तो चली जाएगी। साइड में ले लूँ ना, हाँ वहाँ लगाता हूँ। बढ़िया मिल गया भाई यहाँ पे, 5,000 में 2 रूम मिले, तो चलते हैं अंदर, कैसा है आपको दिखाते हैं। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। हाँ ओह चलो जी सामान निकालते हैं चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम लोग आज श्रीनगर नहीं गए, हम लोग यहीं रुक गए, जो दिल्ली ढाबा था ना हमने वहाँ पे शाम को खाया, और सारा सामान हम ये वाला ले आए। भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखो जी क्या है, ट्रैवल के टाइम तो बस आपको एक ही कहूँगा मैं, जब भी कहीं पे भी निकलो ना अपने साथ में इसी सब चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है खाने का, क्योंकि कभी कभी आप जहाँ पे रुकते हो ना पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पे सब शॉप वगैरह जो है वो बंद हो जाते हैं, वो टाइम पे आपके पास ये सब रहना चाहिए, नहीं तो रात जो है ना वो आपकी बहुत ही बेकार वाली जाएगी और वो आप ज़िंदगी भर के लिए याद रखोगे। सही बात है। सो जैसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होटल में तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे शॉप है, आपको क्या चाहिए स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, आप लेके आइए। तो हम लोग लेकर आए क्योंकि खाना मिलना वाला नहीं था यहाँ पे, तो शाम को जो भी मिला हमने, समोसे तो नहीं मिले, हमने ब्रेड ऑमलेट वगैरह खा लिया, देन मैगी खा ली। फिलहाल तो भूख नहीं, इसलिए हम लोग स्नैक्स ले आए, क्योंकि जैसे अभी हमें बैठ के एडिटिंग वगैरह करना है, और आज का जो दिन मैं बताऊँ काफ़ी ख़तरनाक था, डेंजरस था, मतलब मज़ा भी आया, ऐसा था कि हमें एडवेंचर भी करना है, और मन में एक यहाँ पे डर भी है कि भाई बाइक क्रैश ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, कुछ बाइक का टूट ना जाए, मतलब सबको वही डर था। और मतलब मज़ा आया काफ़ी। पहले तो जब जा रहे थे, पहुँचने से पहले मेरी जस्ट बाइक गिरी आते टाइम, जब 10 मिनट पहले हम पहुँचने वाले थे, फिर पता नहीं अचानक से बाइक कैसे स्लिप हो गई, आपने देखा ही होगा, तो डायरेक्टली मैं सीधा उड़ के नीचे गया, और मेरा जो राइट हैंड था मैंने पहले भी बताया वो सीधा वाइज़र पे लगा, वो आफ्टर मार्केट वाला था, अगर ओरिजिनल होता तो शायद नहीं टूटता, वो पूरा आधा ही निकल गया, आपको दिखाया मैंने, पूरा ही टूट गया। तो अच्छी बात है, मतलब मेरे हाथ में फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेरे हाथों पर जाके गिरा। सो मतलब राइडिंग सूट वगैरह पूरा मैंने अंदर पहना हुआ था, लाइनर्स वगैरह सब कुछ था, ऊपर मैंने रेनकोट पहना था, या किसी को देख के पता भी नहीं चलेगा कि मैंने अंदर राइडिंग सूट पूरा पहना हुआ है। तो वो मस्ट है, अगर आप भी कहीं ऐसा राइड पर जाओ तो राइडिंग सूट पहनो, अगर आप बोलोगे मैं मोटी जैकेट पहन के जा रहा हूँ यहाँ ठंडी है तो अपने को राइडिंग की इसकी ज़रूरत नहीं है, राइडिंग सूट्स वगैरह की, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एंड ये भाई अपने एरोक्स पे भी भाई मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया एरोक्स पे राइड किया पूरा, बिना गिरे, हाँ बिना गिरे, बढ़िया राइड किया। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं गिरूँगा। तो और एक चीज़, भाई का चैनल मैंने पहले ही बताया था, टूरिंग लाइफ है भाई का नाम, थैंक यू भाई, चैनल मुझे का नाम कर देना। यस, प्रतीक सुरवे भाई का नाम है, एंड अपने तो प्यार देना। यस लक्की पाजी, चैनल का नाम दसो जी, लक्स ऑन द ट्रेल। यस लक्स ऑन द ट्रेल है, यस। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कितने दिनों से हम साथ में, और आज हमारा फर्स्ट डे था एडवेंचर का, कल से भाई और एडवेंचर करेंगे, नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ जाएंगे, जो हमने नहीं देखा है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो एक कमरे में 4 और एक कमरे में 3, इस कमरे में हम लोग 4 लोग, ये बेड पे 2, सनी और लक्की पाजी, यहाँ पे सामान ज़रा हटा के ना गद्दे वद्दे लगा के आराम से मैं और प्रतीक भाई अपना मस्त एडिटिंग करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे। ये देखिए ये पैंट ये कैसे लटकाए हुए, देखो हैंगर वैंगर में लगा के और यहाँ पे हीटर लगाओ भाई, ऐसा सिलेंडर वाला हीटर ना मैंने पहली बार देखा लाइफ में, मुझे नहीं पता था ऐसे हीटर वगैरह आते हैं। वो अपना रहा हेलमेट, बाकी शूज़ वगैरह है सारा बाहर रख दिया है। सो अभी बस ये रहा अपना लैपटॉप, अपने को एडिटिंग स्टार्ट करना है, अभी व्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे और ठंड इतनी है, पता नहीं माइनस कितना, 2, 3, 4 कितना चल रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं पूरे सामने, पूरे स्नो वाले, अभी रात को भी वाइट वाइट दिख रहा है, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है वहाँ से। सो बस इतना ही कहूँगा भाई, स्नो में राइड करोगे ध्यान से राइड करिए, मेरा नसीब अच्छा है कि मतलब मेरा हाथ वगैरह पैर वगैरह कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ, सेफली हम लोग आ गए, बस सिर्फ वाइजर टूटा है
अभी बता रहा हूँ सिर्फ वाइजर टूटा है, बाकी बाइक को कुछ नहीं हुआ, ऑल इज़ गुड। जो है पंजाब में मंगवा लेंगे या फिर जो भी अपने घर पे मंगवा लें, क्योंकि मुझे अभी ना वो पोस्चर अच्छा नहीं लग रहा, देख के ऐसा लग रहा मैं ड्यूक चला रहा हूँ, क्योंकि वाइजर ही गायब हो गया पूरा आधा ऊपर से। तो चलिए कल चलेंगे, कुछ नई जगह पर मिलेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखिए। मिलते हैं आपको चलिए जी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बाय बाय।